चलिए आज कैंसर की चर्चा करते हैं। यह कोई नई बीमारी नहीं है। बहुत साल पहले इजिप्शियन हिस्ट्री में भी ट्यूमर और अल्सर का मेंशन है। आजकल बदलती जीवन शैली और अर्बनाइजेशन के चलते कैंसर का नाम बहुत कॉमन हो गया है। सो ये है क्या? कैंसर इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ बॉडी सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स। जब हमारे शरीर के सेल्स किसी भी खामी के कारण बढ़ते जाते हैं, मरना भूल जाते हैं, तब वह इकट्ठा होकर ट्यूमर या गांठ बन जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट नहीं हो पाता क्योंकि ये अपने ही सेल्स के तो हैं जो कि शैतान हो गए हैं। इसी कारणवश कैंसर की शुरुआती लक्षण को पहचानना कठिन हो जाता है और अक्सर इलाज में देर हो जाती है। कैंसर का इलाज है, बशर्ते इसका डिटेक्शन या पहचान जल्द से जल्द हो, उतना ही उसका क्योर पॉसिबल है। कैंसर कोई छूत की बीमारी नहीं है। कई गांठ या ट्यूमर हार्मलेस होते हैं और अपनी जगह पर ही रहते हैं। इन्हें बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर बिना इलाज के बढ़ते रहते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं। कैंसर का नाम इन्हीं मेलिग्नेंट ट्यूमर को दिया गया है। यह कैंसरस ट्यूमर तीन प्रकार से शरीर में ट्रैवल करते हैं। पहले हमारे खून की नलियों से, दूसरा लिम्फैटिक सिस्टम से जो कि स्प्लीन, बोन मैरो, थाइमस वगैरह में पहुंच जाता है। तीसरा यह एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में एक लाइन से बढ़ते चले जाते हैं। जब कैंसर शरीर के प्राइमरी एरिया से सेकेंडरी जगह पहुंच जाता है, इसे मेटास्टेसिस कहते हैं।